बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अजमत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा, आपको चैप्टर नंबर 8 इनफाइनाइट सीरीज़ में वेलकम करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर नंबर 8 में से एक्सरसाइज 8.1 जो है, जो कि आपकी सीक्वेंस से रिलेटेड थी, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज आ रही हैं, वो एक्सरसाइज आपकी हैं इनफाइनाइट सीरीज़ से रिलेटेड। तो नेक्स्ट इनफाइनाइट सीरीज़ के ऊपर बात होगी, तो पहले हम देख लेते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ क्या होती है, इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कन्वर्जेंट सीरीज़ क्या होती है, डाइवर्जेंट सीरीज़ क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर डाइवर्जेंट टेस्ट के मुताबिक हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो कि कन्वर्ज करती हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो डाइवर्ज करती हैं। लास्टली हम कंपैरिजन टेस्ट से, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, उनके मुतालिक बात करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इनफाइनाइट सीरीज़ से, कि इनफाइनाइट सीरीज़ को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। इनफाइनाइट सीरीज़ लेक्चर थोड़ा सा आज लेंथी हो सकता है, तो आपने बी पेशेंटली इसको समझने की कोशिश करनी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आप कंप्लीट लेक्चर एक सीटिंग में नहीं देख सकते, तो उसका तरीकाकार ये होता है कि आप उसे थोड़ा थोड़ा करके देख लिया करें। तो इनफाइनाइट सीरीज़ को कैसे डिफाइन करते हैं? लेट a1, a2, a3 अप टू सोन, an अप टू सोन आर दी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर दी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ए एन। फर्ज कर रहे हैं कि आपके पास ये जो टर्म्स हैं ये किस सीक्वेंस की हैं। देन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। तो ये जो आपके पास मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, कौन सी एक्सप्रेशन? समीशन फॉर्म जो है। इन टर्म्स को अगर आप ऐड कर लेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सोन, प्रोसीजर चलता जाएगा, तो दिस एक्सप्रेशन इज़ कॉल्ड द इनफाइनाइट सीरीज़। और इसको अगर आप समीशन फॉर्म में लिखें, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an। क्लियर है? समटाइम अगर ये चीज़ अंडरस्टूड हो कि आपका समीशन किस नंबर से स्टार्ट है, जैसे यहाँ पर पहली टर्म a1 है, 1 से स्टार्ट है, तो आप सिंपली इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन an, ठीक है, अगर ये अंडरस्टूड हो। लेकिन अगर आपका नंबर n इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट है या n इज इक्वल टू 10 से स्टार्ट है, तो फिर इस तरह लिखना ज़्यादा बेहतर है। तो ये आपके पास होगी इनफाइनाइट सीरीज़। मिसाल के तौर पर आप लिखते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू सोन, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। आप लिखते हैं 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़। नेक्स्ट आपके पास आती है जी कन्वर्जेंट सीरीज़। कन्वर्जेंट सीरीज़ को आप किस तरह डिफाइन करते हैं? कन्वर्जेंट सीरीज़ यहाँ पर पहली बात मैं बता दूँ कि चलें पहले कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। एन इनफाइनाइट सीरीज़ is called convergent series if it has finite sum। अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज का सम फाइनाइट हो, तो ऐसी सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज़ कहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो बात बताने लगा था, वो ये था कि ये चीज़ आप यहाँ पर ज़हन नशीन कर लें कि जब भी हम कन्वर्जेंट सीरीज़ की बात करेंगे, तो उसमें जिस सीरीज़ के ऊपर बात की जाएगी वो इनफाइनाइट सीरीज़ होगी, फाइनाइट सीरीज़ नहीं होगी। देखिए, एक सीरीज़ फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब उसकी टर्म्स फाइनाइट हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, 1000 हैं, तो उनका सम जो होगा, फाइनाइट टर्मों का सम फाइनाइट ही होगा, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात तो ये होती है कि आपके पास सीरीज़ इनफाइनाइट है, लेकिन अगर जब आप उसका सम करते हैं वो फाइनाइट है। तो एक सीरीज़ को कन्वर्जेंट सीरीज़ कहेंगे, पहली बात कि वो इनफाइनाइट सीरीज़ है, बट इसका सम जो है वो फाइनाइट है, तो फिर उस सीरीज़ को आप कन्वर्जेंट सीरीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर, फॉर एग्ज़ाम्पल,
आपने उसका सम फाइनाइट होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि आल्सो इट्स सम इज़ फाइनाइट एंड यूनिक, और सम भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट सीरीज। और अगर एक सीरीज का सम फाइनाइट ना हो, यूनिक ना हो, ठीक है, तो उस सीरीज को हम डाइवर्जेंट सीरीज भी बोलते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 अप टू सोन, ये प्रोसीजर चलता जाएगा। आप गौर करें कि ये जो मैंने सीरीज़ यहाँ पर लिखी है, दिस इज़ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इस सीरीज़ की पहली टर्म जो है वो आपके पास 1/2 है। यहाँ पर अगर आप कॉमन रेशो चेक करें, कॉमन रेशो निकालते हैं आमतौर पर हम A2 डिवाइड बाई A1 से, A3 डिवाइड बाई A2 से भी निकाल सकते हैं, यानी दो कंजेक्टिव टर्म को डिवाइड करके निकालते हैं। तो A2 को A1 पर अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आप देखेंगे वो भी 1/2 के बराबर आएगा और लेस देन 1 है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऐसी सीरीज़ जो किसी एक ही नंबर से जनरेट होती है, एक ही नंबर का मल्टीपल है, ठीक है, या दूसरे अल्फाज में ऐसी सीरीज़ जिसकी कॉमन रेशियो जो है वो सेम है, जिसकी कॉमन रेशियो जो है वो सेम होगी, ठीक है, उस सीरीज़ को आप ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। और ये आपके पास है एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम करने का जो फार्मूला है, जब आपके पास कॉमन रेशियो 1 से लेस होगी, वो आपके पास होता है एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए ओवर 1 माइनस आर, और आर जो है उसके ऊपर कंडीशन है कि आर का एब्सोल्यूट जो है 1 से स्मॉलर होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें आप फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप ये वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं, तो इस सीरीज़ का जो सम आएगा एस इन्फिनिटी, ए आपके पास यहाँ पर 1/2 के बराबर है, आर की वैल्यू भी 1/2 है, तो फाइनल आंसर आ गया 1/2 ओवर 1/2, डैट इज़ इक्वल टू 1। तो आपने देखा कि इस सीरीज़, ये सीरीज़ बजाते खुद इनफाइनाइट है, लेकिन इसका सम जो है वो क्या है, फाइनाइट है, हैंस दिस इज़ अ कन्वर्जेंट सीरीज़। क्लियर होगी बात ये। लेकिन क्या ये वाली जो सीरीज़ है ये फाइनाइट है, ये कन्वर्जेंट है? तो आप चेक कर सकते हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों? आप गौर करें कि आप सम ना भी करें अगर इसका, ठीक है, आप सिर्फ इसकी कुछ टर्म को उठा के देखें। जब आप इसकी दो टर्में लेते हैं सम आता है 3, जब आप इसकी 3 टर्म में लेते हैं सम आता है 6, जब आप इसकी 4 टर्म में लेते हैं आंसर आएगा 10। आप इसकी नंबर ऑफ टर्म जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे सम उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट सीरीज़ है, इसका सम फाइनाइट नहीं आएगा कभी भी। सिमिलरली जो नीचे वाली सीरीज़ है, अगर आप इसको ऐड करें तो इसको ऐड करने पर पता चलेगा कि इसका सम या तो 0 आता है या 2 आता है। मिसाल के तौर पर अगर इसकी 2 रकमों को प्लस करें तो आंसर आएगा 0, और अगर इसकी 3 रकमों को प्लस करें तो आंसर बनेगा 1 माइनस 1 प्लस 1 आएगा, और अगर इसकी 4 रकमों को प्लस करें तो अब आंसर कितना आएगा, अब आपके पास 0 है। या तो सम 0 है या 1 है, 2 नहीं है सॉरी, ठीक है। तो या सम 0 आएगा या आपके पास कितना आएगा सम, इसका 1 आता जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो अब इसके निकलते हैं 2 सम। हमें क्योंकि पता नहीं है कि ये इसकी टर्म जो है वो इनफाइनाइट है, वो कितनी टर्म में है, ठीक है। अगर तो टर्म में फाइनाइट होंगी फिर तो पता चल जाएगा, लेकिन मैंने बताया कि कन्वर्जेंस का ताल्लुक जो है वो इनफाइनाइट सीरीज से है। तो अब चूंकि हालांकि इसके सम तो फाइनाइट निकल रहा है, 0 एंड 1 बोथ आर फाइनाइट, बट सम इज़ नॉट यूनिक, ठीक है। तो लिहाजा ये भी जो सीरीज़ है ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक होगी बात ये। तो ये आपको पता चल गया कन्वर्जेंट सीरीज़ का, डाइवर्जेंट सीरीज़ का। अब नेक्स्ट ये है कि आपने कन्वर्जेंट सीरीज़ को चेक करने का एक तरीकाकार होता है कि हमने चेक करना है कि हमारे पास एक सीरीज़ गिवन है, आया वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो हम उसके सीक्वेंस ऑफ nth पार्शल सम से चेक कर सकते हैं कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो नेक्स्ट ये है, अगला मेरा टॉपिक जो है वो ये है, कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज by sequence of nth partial sum। सीरीज़ के nth पार्शल सम से भी उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पता चलाया जा सकता है। कैसे पता चलेगा? देखें, let sn equal to a1 a2 up to so on an, ये है सम ऑफ पार्शल सम ऑफ n टर्म्स।
सीरीज़ की एन टर्में आपने उठाई हैं उनका किया है सम, इसका नाम मैंने रख लिया एस एन, दिस इज कॉल्ड सम ऑफ एनथ एनथ पार्शियल सम, ठीक है, या सम ऑफ एन टर्म्स, लेट एस एन बी एनथ पार्शियल सम, एनथ पार्शियल सम, ये एनथ पार्शियल सम है। अगली चीज़ के ये सीरीज़ के कन्वर्जेंस का कैसे पता चलेगा कि वो एनथ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ एनथ पार्शियल सम से, एस एन एनथ पार्शियल सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड लेट अगर इसको मैं इस तरह ब्रेसिस में बंद कर दूं तो आप जानते हैं ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस को, लेट एस एन बी दी सीक्वेंस ऑफ, बी दी सीक्वेंस ऑफ, सीक्वेंस ऑफ एनथ पार्शियल सम, ये सीक्वेंस है एनथ पार्शियल सम का, बी दी सीक्वेंस ऑफ एनथ पार्शियल सम, क्लियर होगी बात, ये बी दी सीक्वेंस ऑफ एनथ पार्शियल सम है। अब अगली बात, आप जानते हैं 8.1 में आपने पढ़ा है कि एक सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है, सीक्वेंस कन्वर्ज कब करता है जब आप उसकी nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करें और आंसर फाइनाइट आ जाए, तो ऐसी सूरत में सीक्वेंस कन्वर्ज करता है। तो मैंने मान लिया कि sn जो है वो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है, इफ़ अगर आप इसकी इस nth पार्शियल सम, ये जो sn है, अगर इसमें n की जगह इन्फिनिटी अप्रोच करें और फर्ज करें वो सम आ गया s, एस क्या है एक फाइनाइट रियल नंबर है, देन दिस इंप्लाइज आपकी जो ओरिजिनल सीरीज है, दिस इंप्लाइज ये जो सीरीज होगी एन इज इक्वल टू वन से इन्फिनिटी ए एन, वो कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करने के बाद अगली इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब कन्वर्ज करेगी तो जारी सी बात है इसका कोई ना कोई सम भी होगा, फाइनाइट सम, और इसका सम वही होगा जो ये लिमिट निकली है, ठीक है। दिस कन्वर्जिज, सीरीज कन्वर्जिज, कन्वर्जिज टू एस, ये जो आपका सम एस आ गया, क्लियर होगी बात क्या नहीं। मिसाल के तौर पर आपके पास, मैं दोबारा फिर ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ को सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हालांकि आपने इसका सम देख लिया है कि वो वन के बराबर है, आपने सीधा सीधा फार्मूला लगाया फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम से देखना चाहता हूँ कि सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम के तरीके से ये सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करती है या नहीं करती। तो आप यहाँ पर इसकी n टर्मों का सम निकालें, हेयर इसकी n टर्मों का जो सम निकलेगा उसका नाम हम एस एन रख लेते हैं, वो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्केयर प्लस 1/2 की पावर 3 अप टू सोन, चलता जाएगा प्रोसीजर, 1/2 की पावर n आ गया। इनको ऐड कर लें, यहाँ पर पहली टर्म आपके पास 1/2 है, r यहाँ पर 1/2 के बराबर है, ठीक है, r का एब्सोल्यूट लेस देन 1 है, ठीक है। आप यहाँ पर फार्मूला जो लगाएंगे इसकी एन टर्मों को प्लस करने का, वो आप जानते हैं, वो है ए इन टू आर वन माइनस, वन माइनस आर की पावर एन ओवर वन माइनस आर। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, आर आपके पास यहाँ पर 1/2 है, तो ये 1/2 की पावर एन हो जाएगी ओवर वन माइनस 1/2, क्लियर हो गई बात। यहाँ से 1 माइनस 1/2 कितना बचेगा, 1/2, 1/2 और ये 1/2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास एस एन का जवाब आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर एन। अब अगली बात, ये चीज़ क्या निकली है, दिस इज़ दी nth पार्शियल सम, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, इसके ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इक्वल टू 1 माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर n, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 2 की पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, 1/∞ 0, डैट इज इक्वल टू 1। आपने देखा कि इसका सम जो है nth पार्शियल सम किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया, ठीक है। हैंस दिस सीरीज, दिस ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जिज एंड हैव अ फाइनाइट सम डैट इज इक्वल टू 1, और आपने वैसे भी डायरेक्ट फार्मूला भी लगा कर देखा था, आंसर कितना आया था, 1 ही आया था। तो आप किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं उसके nth पार्शियल सम को निकाल कर, क्या हमेशा ये वाला जो मेथड है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये एक आसान मेथड है, नहीं जी, हमेशा किसी भी सीरीज़ का nth पार्शियल सम निकालना आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं एक सीरीज़ लिखने लगा हूँ, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी n प्लस 1 ओवर n प्लस 2 e की पावर n, ये मेरे पास एक सीरीज़ है।
मैं चाहता हूँ कि मैं इसको nth पार्शल सम से चेक कर लूँ कि क्या ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, क्या इसका nth पार्शल सम हम निकाल सकते हैं। देखते हैं, आप इसकी टर्मों को n की जगह 1 पुट करें, पहली टर्म आएगी 2/3 e^1, फिर n की जगह आप 2 पुट करें, ऊपर बनेगा 3/4, नीचे बन जाएगा 4e^2, फिर आगे आएगा 4/5 e^3, फिर आएगा 5/6 e^4, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा और nth टर्म तो इसकी यही आ जाएगी, nth टर्म आ जाएगी इसकी n+1/(n+2) e^n, ये इसकी n टर्म्स का सम है। अगली बात, क्या इसकी इन n टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं, क्या इसको इस तरीके से किसी फार्मूले में कन्वर्ट किया जा सकता है? शायद किया जा सकता हो, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, ठीक है, कि जिससे इसकी n टर्म्स को हम आसानी से इस तरह ऐड कर सकें। तो यहाँ पर जो nth पार्शियल सम वाला मेथड है वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो फिर क्या किया जाएगा, अब फिर nth पार्शियल सम को छोड़कर मज़ीद आगे कुछ टेस्ट हैं, उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस जो है वो इसके बस से तो बाहर हो गई है, सही है, कहीं कहीं पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन हर जगह पर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता, ठीक है। लेकिन ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एक सीरीज़ की अगर nth पार्शियल सम का सीक्वेंस कन्वर्ज करता है तो वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है, इसको एज अ थ्योरम, एज अ रिजल्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर मरतबा ये पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा दी हुई सीरीज़ की टर्म्स का nth पार्शियल सम मालूम कर सकें। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं जो इसके आगे कोई नई अल्टरनेटिव जो चीज़ है उसको डिस्कस करने लगा हूँ, और डैट इज़ नाउन एज डाइवर्जेंट टेस्ट फॉर द इनफाइनाइट सीरीज। एक सीरीज़ को हम डाइवर्जेंट कहेंगे कि वो सीरीज़ डाइवर्ज कर रही है, यानी उसका सम जो है वो फाइनाइट नहीं है। समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी an डाइवर्जेस। एक सीरीज़ डाइवर्ज करेगी अगर आपने इसकी nth टर्म में लिमिट अप्लाई की n अप्रोचेज इन्फिनिटी और आंसर 0 के बराबर नहीं आया, नॉन ज़ीरो, कोई भी नंबर आ गया लेकिन 0 नहीं है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो सीरीज़ डाइवर्ज करती है। अब आप कहेंगे अगर आंसर 0 के बराबर आ गया तो, अगर आंसर 0 के बराबर आया तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो सीरीज़ कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी कर सकती है। डाइवर्जेंट टेस्ट सिर्फ ये कहता है कि आपने उसकी nth टर्म में n की जगह इन्फिनिटी पुट किया लेकिन आंसर नॉन ज़ीरो आना चाहिए, अगर नॉन ज़ीरो आया तो फिर डाइवर्जेंट है, अगर 0 के बराबर आ गया फिर कुछ पता नहीं है, सही है। मिसाल के तौर पर ये ऊपर वाली जो सीरीज़ हमारे सामने है, अगर इसी की मैं nth टर्म को देखूँ, हेयर nth टर्म इसकी बनती है an(n+1)/(n+2)e^n, आप इसमें लिमिट अप्लाई करें, डाइवर्जेंट टेस्ट लगा कर देखें क्या कोई यहाँ पर काम करता है, ये लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an, ऊपर नीचे में n से डिवाइड कर देता हूँ नोमिनेटर डिनोमिनेटर को, आपने सीक्वेंस के क्वेश्चन कर चुके हैं तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, ये ऊपर बन जाएगा 1+1/n, नीचे आ जाएगा 1+2/n और ये आ जाएगा e^n। अब आप इसमें n की जगह इन्फिनिटी अप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 1+1/∞, 1+2/∞ और ये आ जाएगा e^∞। 1/∞ ज़ीरो तो ये 1+0 1 हो गया, नीचे भी 2/∞ ज़ीरो, ये सारा फैक्टर आपके पास 1 आ जाएगा, ये आ गया e^∞ और e^∞ क्या है, इन्फिनिटी के बराबर है, तो आपने देखा कि आंसर 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है। तो ये क्या शो करता है कि ये डाइवर्जेंट टेस्ट, यहाँ पर डाइवर्जेंट टेस्ट काम कर गया और डाइवर्जेंस ये कहता है कि ये सीरीज़ डाइवर्ज करती है, ठीक है, इसका सम फाइनाइट नहीं होगा, सही है। तो ये अभी तक आपने इनफाइनाइट सीरीज़ को देखा, कन्वर्जेंट सीरीज़ को देखा, डाइवर्जेंट सीरीज़ को देखा, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम को देखा, डाइवर्जेंट टेस्ट को देखा। नेक्स्ट यहाँ पर मैं चंद एक 8.2, 8.3 में या आगे आने वाली एक्सरसाइज में जो इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज़ हैं उनको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विदाउट प्रूफ, उनका प्रूफ नहीं कर रहा, वो इंशाल्लाह जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें मैं बताऊँगा, उसको प्रूफ भी करेंगे हम कि वो सीरीज़ कन्वर्ज करती हैं डाइवर्ज करती हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आपने उनको ज़ुबानी याद रखना है कि ये सीरीज़ अगर होगी तो कन्वर्ज करेगी, दूसरी सीरीज़ है तो डाइवर्ज करेगी। अब अगली चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट सीरीज़, उसको देखते हैं। मैं ज़रा यहाँ पर इसको साफ़ कर लेता हूँ।
नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर आपके चैप्टर में कुछ इम्पॉर्टेंट सीरीज़ इस्तेमाल होंगी जिनको मैंने यहाँ पर लिख दिया है सामने। इनमें सबसे पहले है आपकी कांस्टेंट सीरीज़। कांस्टेंट सीरीज़ जैसे कि ये मैंने लिखा कि समीशन सी, तो आप इसको अगर ओपन करें तो सी क्या आएगा, सी प्लस सी आपको सोन इनफाइनाइट टाइम आएगा। तो ये वाली जो सीरीज़ है ये हमेशा डाइवर्ज करती है। मिसाल के तौर पर आपने लिखा हो समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 5। अब ये 5 का मतलब है आपने 5 को इन्फिनिट टाइम प्लस करना है। तो अगर 5 को इन्फिनिट टाइम प्लस करेंगे तो आप देखें अब तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 टाइम इन्फिनिटी यानी कि इन्फिनिटी, तो सम फाइनाइट तो ना निकला। इसलिए कांस्टेंट सीरीज़ जब भी आप कभी देखें ऑलवेज डाइवर्जेस। नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक सीरीज़। समीशन n 1, 2, 3 अपू सोन, आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका जो सम है वो फाइनाइट नहीं होने वाला। आप जितनी नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा बढ़ाएंगे सम और बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये भी सीरीज़ आपके पास डाइवर्ज करती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आप जानते हैं ऐसी सीरीज़ जिसकी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान रेशियो एक जैसी होती है, उसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। तो सीरीज़ ऑफ द फॉर्म दिस इज कॉल्ड द ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये कन्वर्ज करेगी अगर कॉमन रेशो का एब्सोल्यूट लेस देन 1 हो, और डाइवर्ज करेगी अगर कॉमन रेशो का एब्सोल्यूट ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखिएगा, स्टूडेंट ये समझता है कि कॉमन रेशो लेस देन 1 होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर फर्ज करें एक ज्योमेट्रिक सीरीज है मेरे पास 2 - 4 + 8 - 16 अप टू सोन चलता जाएगा, कॉमन रेशो निकालें कितनी आती है -2। बच्चा ये समझता है जी आंसर 1 से छोटा है, लिहाजा ये सीरीज़ जो है वो कन्वर्ज करेगी। अब कन्वर्ज करने के लिए फ़र्ज़ करें वो इसके ऊपर इसका सम निकालने की कोशिश करता है। सम निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगाता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/(1 - r)। आप चेक करके देखें क्या ये फार्मूला काम करता है। यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर 2 है और r यहाँ पर कितना है -2 है, आंसर बनेगा 2/3 यानी 0.67। आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला ये बता रहा है आपको कि इस पूरी सीरीज़ का जो सम है वो 2/3 है, हालांकि इसकी पहली टर्म ही 2 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ गलती कहाँ से हो रही है, गलती यहाँ से बच्चा कर रहा है कि ये कॉमन रेशो -2 है और वो समझ रहा है 1 से छोटी है। नहीं, कॉमन रेशो का एब्सोल्यूट 1 से कम होना चाहिए। तो कॉमन रेशो का एब्सोल्यूट कितना आएगा, -2 का एब्सोल्यूट होगा +2। तो अब देखें क्या ये 1 से छोटा है, नहीं ये 1 से बड़ा है। तो लिहाजा ये सीरीज डाइवर्ज करेगी, कन्वर्ज नहीं करेगी। r का एब्सोल्यूट लेस देन 1 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 < r, r < +1। तो ये और आसान हो गया, आपका r अगर -1 और +1 के दरमियान है, दरमियान में है, -1 और +1 शामिल नहीं है, तो फिर सीरीज़ कन्वर्ज करेगी ज्योमेट्रिक सीरीज़, अदरवाइज सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। नेक्स्ट एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली मरतबा आपके चैप्टर में आई है, वो चीज़ें तो आप ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं, हाइपर हारमोनिक सीरीज़ या पी सीरीज़। इसको बड़ा ध्यान से रखना, ये अक्सर हाइपर भी हो जाती है, ठीक है। हाइपर हार्मोनिक सीरीज क्या है, सीरीज़ ऑफ द फॉर्म समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/np, और p क्या है, एक रियल नंबर है। ये जो सीरीज़ है ये आपके पास p सीरीज़ कहलाती है। यहाँ पर p सीरीज़ के हवाले से चंद एक स्पेशल केसेस हैं इसके। अगर मैंने लिखा कि अगर मैं यहाँ पर p की जगह 1 पुट कर दूँ, ये पावर p जो है 1 हो जाए, तो ये जो सीरीज़ है वो ऐसे बन जाएगी समीशन 1 से इन्फिनिटी 1/n। दिस इज़ कॉल्ड दी हारमोनिक सीरीज़, और हारमोनिक सीरीज़ ऑलवेज डाइवर्जेस, याद रखिएगा। अब ये नई चीज़ आई है, हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है, लेकिन फिल वक्त आप इसे याद रखें कि हार्मोनिक सीरीज़ जो है वो डाइवर्ज करती है। अगर p की जगह यहाँ पर पावर 2 रख ली जाए तो ये सीरीज़ बन जाएगी 1/n का स्केयर। दिस इज़ नोन एज आयलर सीरीज़, इसे आयलर सीरीज़ बोलते हैं, और आयलर सीरीज़ हमेशा कन्वर्ज करती है, ठीक है। अब कौन कौन से p के लिए आपकी p सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और कौन से p के लिए डाइवर्ज करेगी, ठीक है, वो आगे मैं लिखने लगा हूँ। इन जर्नल ये जो सीरीज़ है कन्वर्ज करेगी अगर p आपका 1 से बड़ा हो। जब भी आपका p 1 से बड़ा होगा आपकी p सीरीज़ कन्वर्ज करेगी। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछता है क्या 1/n⁵ 1 से इन्फिनिटी कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी क्योंकि पावर कितनी है 1 से बड़ी है। आपसे कोई कहता है क्या सीरीज़ 1/n⁴/2 है, पावर यहाँ पर आपके पास पॉइंट में भी आ सकती है क्योंकि p आपका रियल नंबर है, तो ये जो सीरीज़ है कन्वर्ज करेगी डाइवर्ज करेगी, कन्वर्ज करेगी। आपसे कहा जाता है अगली चीज़, अगर आपका p 1 या 1 से छोटा होगा तो सीरीज़ हमेशा डाइवर्ज करेगी। मिसाल के तौर पर अगर p की वैल्यू 1/2 ले ली जाए तो ये सीरीज़ ऐसे बन जाएगी 1/√n। अब यहाँ पर p 1/2 है, 1 से छोटा है, लिहाजा ये वाली जो सीरीज़ है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। क्लियर।
नहीं जी, ये चंद एक इम्पॉर्टेंट सीरीज थी, इनका बिहेवियर आपको याद होना चाहिए 8.2 एक्सरसाइज के लिए, ये तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट मैं मूव कर रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट की तरफ, ठीक है, जो कि आपकी मदद करेंगे इस चीज़ के लिए कि सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, ठीक है। कंपैरिजन टेस्ट, यहाँ पर दो तरह के कंपैरिजन टेस्ट की बात करूँगा, एक है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, एक है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। मैंने लिखा लेट ए एन एंड बी एन आर दी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज, आपके पास ये दो सीरीज हैं ए एन और बी एन और पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म का क्या मतलब है? पॉजिटिव टर्म का मतलब है कि इस सीरीज की हर टर्म पॉजिटिव है। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सीरीज है ये आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ये जो सीरीज है ये पॉजिटिव टर्म नहीं है, इसमें एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। तो मैंने पहली बात तो ये आपने याद रखनी है कि ये दोनों सीरीज जिनकी आप बात कर रहे हैं इनकी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। अगली बात ये है कि ए एन जो है वो बी एन से हमेशा छोटा है, ए एन के जितने भी आंसर हैं वो बी एन से क्या है स्मॉलर है, क्लियर होगी बात कि नहीं। ए एन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू बी एन। अब अगली बात सुने, मिसाल के तौर पर आपके पास अगर सीरीज लिखी है मैंने कि वन ओवर यहाँ पर लिखा हो वन ओवर एन की एन और यहाँ पर लिखा है वन ओवर एन का स्केयर, ठीक है, तो आप देखते हैं कि वन ओवर एन स्केयर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू वन ओवर एन क्यूब। क्यों? यहाँ पर आपके पास ये वन ओवर एन स्केयर जो है वो ऑलवेज लेस देन होगा वन ओवर एन से। आप एन यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर लें, सिर्फ n इज इक्वल टू वन के लिए ये जवाब बराबर आएगा, n इज इक्वल टू टू के लिए आंसर बनेगा इधर 1/4 और इधर n इज इक्वल टू टू के लिए बनेगा 1/2। तो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1/n। ये कहना चाह रहा हूँ कि ए एन जो है वो हमेशा बी एन से स्मॉलर है या बराबर है ज़्यादा। अब अगली बात गौर से देखिएगा, तो इसका मतलब ए एन कौन सी सीरीज़ होगी? ये आपके पास होगी एक स्मॉलर सीरीज। ये कौन सी है? ये हमारी स्मॉल सीरीज़ है, स्मॉलर है, और ये लार्जर सीरीज है या ग्रेटर सीरीज है। अब अगली बात आपने देखनी है कि मैंने कहा कि अगर देन इफ समीशन बी एन कन्वर्जिस, आपने ए एन बी एन को नहीं याद रखना, आपने यहाँ पर कंपैरिजन टेस्ट में ये याद रखना है कि एक सीरीज़ बड़ी है एक छोटी है। नाम तो आप कोई भी रख सकते हैं ना, बी एन सी एन डी एन कुछ भी रख लें, एक सीरीज छोटी है एक बड़ी है। मैंने लिखा अगर बी एन कन्वर्ज करता है, बी एन कन्वर्ज करता है, बी एन का मतलब बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो फिर छोटी सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। पहली बात, ये कंपैरिजन टेस्ट को याद रखने का स्टाइल है। आपने दो सीरीज पकड़नी है, उनमें से एक सीरीज जारी सी बात है छोटी होगी, दूसरी सीरीज बड़ी होगी, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करती है तो छोटी सीरीज कन्वर्ज करेगी, ठीक है। तो बड़ी सीरीज मैंने यहाँ पर रखी है, बी एन तो मैंने इसलिए लिखा है कि अगर बी एन कन्वर्ज करेगी तो ए एन कन्वर्ज करेगी, और अब अगर ए एन डाइवर्ज करेगी तो फिर बी एन डाइवर्ज करेगी, मतलब, और अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करती है तो फिर बड़ी सीरीज डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अब बच्चा इसी सूरत में कन्फ्यूज रह जाता है अक्सर, समटाइम बेसिक कंपैरिजन टेस्ट को गलत इस्तेमाल करता है। बी एन वो कहता है जी बी एन डाइवर्जिस, ए एन डाइवर्जिस, इन चक्रों में नहीं पढ़ना। बड़ी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो छोटी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी डाइवर्ज करती है तो फिर बड़ी डाइवर्ज करेगी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर अगर बच्चा कहता है कि जी सर बड़ी सीरीज डाइवर्ज कर रही है तो फिर छोटी का क्या ताल्लुक, छोटी से क्या निकालेंगे? नो आइडिया। डाइवर्जेंट के केस में, बेसिक कंपैरिजन में, डाइवर्जेंट के लिए छोटी को डाइवर्ज करना चाहिए, बड़ी फिर डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अगर आपने सीरीज ऐसी तलाश की है कि एक सीरीज तलाश की, वो सीरीज आ गई बड़ी सीरीज लेकिन वो डाइवर्ज करती है, ठीक है, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वहाँ पर नहीं लग सकता, सही है। आगे चलें, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, जैसे यहाँ पर देख लें, मैं यहाँ पर अगर बात करूँ तो बड़ी सीरीज वन ओवर एन है, तो बड़ी सीरीज वन ओवर एन है हार्मोनिक सीरीज, और हार्मोनिक सीरीज मैंने बताया है कि क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो अब इसको देखकर मैं ये नहीं कह सकता कि वन ओवर एन से के डाइवर्ज करती है या कन्वर्ज करती है, क्योंकि ये जो मैंने सीरीज तलाश की है ये गलत तलाश की है, ये बड़ी सीरीज है तो बड़ी सीरीज को कन्वर्ज करना चाहिए। हालांकि बड़ी सीरीज यहाँ पर जो मैंने तलाश की है, तलाश तो कर रही बड़ी सीरीज लेकिन वो कन्वर्ज नहीं कर रही, वो डाइवर्ज कर रही है। जो बड़ी होगी अगर वो कन्वर्ज करेगी तो छोटी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटी सीरीज जो है वो डाइवर्ज करती है तो फिर बड़ी सीरीज डाइवर्ज करेगी। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है? लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हम, ये ज़्यादा आसान है स्टूडेंट्स इसको इस्तेमाल, स्टूडेंट्स के लिए इस्तेमाल करना। इसमें आपने सिंपल रेशो निकालनी है और रेशो निकाल के आंसर देखना है, इसमें आपको कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सबसे पहले ए एन और बी एन निकाला, आंसर जीरो के बराबर आ गया, ए एन को बी एन पर डिवाइड किया, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर रहेगी, मिसिंग हो गई, और उस पर लिमिट भी अप्लाई करनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन, इसका आंसर आया जीरो के बराबर। अगर ये रेशो का आंसर जीरो के बराबर आया और एंड
और ये जो नीचे वाली सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है, तो फिर ऊपर वाली सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। अब मिसाल के तौर पर आपने ए एन और बी एन का आंसर निकाला जीरो के बराबर आ गया, लेकिन नीचे वाली सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही है, तो फिर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग सकता। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो आंसर जीरो के बराबर है और फिर नीचे वाली सीरीज लाजमन कन्वर्ज करनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि नीचे वाली सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, वो मैंने इसलिए आपको लिख के दी है ना, ये सीरीज आपको जबानी जबानी याद होनी चाहिए, यही सीरीज हमने इस्तेमाल करनी है। ठीक है, आपने देखें क्वेश्चन में भला क्या होगा, क्वेश्चन में ये होगा, क्वेश्चन में आपको दो सीरीज एक सीरीज दी होगी, उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है आपने, आपने एक सीरीज खुद से तलाश करनी पड़ेगी। अब जो खुद से तलाश की है ना उसके मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि वो कौन सी सीरीज किस तरह की है, उसका बिहेवियर कैसा है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, इसलिए ये वाला टेबल आपने जबानी याद करना है, यही होंगी सीरीज जो बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब मैंने लिखा कि ए एन और बी एन का आंसर अगर जीरो के बराबर है और नीचे वाली सीरीज कन्वर्ज करती है तो फिर ऊपर वाली कन्वर्ज करेगी। अगली बात, ए एन और बी एन का आंसर जीरो के बराबर नहीं आया, मिसाल के तौर पर वन आ गया, माइनस वन आ गया, फाइव आ गया, माइनस फाइव आ गया, पाई आ गया, तो ऐसी सीरत में बिहेवियर ऑफ ए एन डिपेंड ऑन बी एन, ऊपर वाली सीरीज का बिहेवियर नीचे वाली सीरीज पर डिपेंड करेगा। मतलब जिस तरह का बिहेवियर नीचे वाली का होगा वही ऊपर वाली का हो जाएगा, अगर नीचे वाली डाइवर्ज करती है तो ऊपर वाली डाइवर्ज कर देगी, अगर नीचे वाली कन्वर्ज करती है तो ऊपर वाली कन्वर्ज कर देगी। क्लियर होगी बात ये, नेक्स्ट मैं इसको साफ कर लूँ फिर देखते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपके पास लिमिट कंपैरिजन में अगर ये रेशो जो है वहाँ पर मैंने लिखा था ए एन ओवर बी एन नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं लेना, नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है कि वो कोई नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर है। अगर आपके पास ए एन ओवर बी एन का आंसर इन्फिनिटी के बराबर आ गया और इसके साथ ये ज़रूरी है कि अब नीचे वाली सीरीज डाइवर्ज करती है, एक तो रेशो का आंसर इन्फिनिटी आया है लिमिट अप्लाई करने के बाद और नीचे वाली सीरीज डाइवर्ज करती है, तो फिर याद रखें ऊपर वाली सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट, कौशी इंटीग्रल टेस्ट। कौशी साहब आ गए हैं, ठीक है, ये इस टेस्ट के मुताबिक आपको कोई दूसरी सीरीज की ज़रूरत नहीं है, जो सी सीरीज आपको दी गई है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपने चेक करनी है, बस इसमें यह है कि आपकी इंटीग्रेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, कौशी इंटीग्रल टेस्ट की मदद से भी हम सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कर सकते हैं, बस थोड़ी सी इसकी कंडीशंस हैं, अगर वो आपकी सीरीज उन कंडीशंस को पूरा करती है तो आप कौशी इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। मैंने ये लिखा, लेट ए एन बी अ पॉजिटिव टर्म सीरीज। पहली बात तो यह है कि सीरीज आपकी पॉजिटिव टर्म है। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूअस एंड नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द इंटरवल वन से इन्फिनिटी सच डैट, अब ये बीच में एफ कहाँ से आ गया, आपने ये जो सीरीज दी हुई है जिसकी एन असल में ये है, आपने उससे एक फंक्शन एफ ऑफ एन बनाना है। मिसाल के तौर पर देखें, मैंने चेक करना है कि मेरे पास एक ये सीरीज दी है वन से इन्फिनिटी वन ओवर वन प्लस एन का स्केयर, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कौशी इंटीग्रल टेस्ट से कि क्या ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। तो मैं सबसे पहले ये लेट करूँगा, यहाँ पर अपना फंक्शन बनाऊँगा एफ ऑफ एन इक्वल टू ए एन, तो ए एन कौन है, यहाँ पर ए एन मेरे पास है ये वन ओवर वन प्लस एन का स्केयर, ये एन टर्म है, देखे ना यहाँ पर एन लिखा है, तो यहाँ पर एन कौन है, वन ओवर वन प्लस एन स्केयर, तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब अगली चीज़, आप यहाँ पर इसको अपनी आसानी के लिए वेरिएबल बदल लें, एक्स एफ ऑफ एक्स में लिख लें, यह आ जाएगा वन प्लस वन ओवर एक्स का स्केयर। ठीक है, अगली चीज़ ये है कि ये जो फंक्शन आपने डिफाइंड किया है ना, ये कंटिन्यूस होना चाहिए और नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। लफ्ज नॉन इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नॉन इंक्रीजिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग प्लस कॉन्स्टेंट, प्लस कॉन्स्टेंट। कैलकुलस में आप एक फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो आ जाए, तो आप इसको चेक करके देख लें, इसका पहला डेरिवेटिव जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस वन ओवर वन प्लस एक्स का स्केयर इन टू टू एक्स। ठीक है, अगली पहली बात ये कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का मतलब है ये किसी नंबर पर अनडिफाइंड नहीं है, डिसकंटिन्यूस नहीं है, वन वन से लेकर इन्फिनिटी तक आप कोई भी एक्स यहाँ पर पुट करके देख लें, ठीक है, आपका आंसर जो है हमेशा कंटिन्यूस रहेगा। आपने इसका पहला डेरिवेटिव लिया, इसका आंसर डेरिवेटिव का बना है माइनस टू एक्स ओवर वन प्लस एक्स का स्केयर। आप चेक करें, आप यहाँ पर एक्स कोई भी नंबर पुट करें वन से इन्फिनिटी के दरमियान, आपका एक्स जो है वो वन से इन्फिनिटी के दरमियान है, आप कोई भी नंबर पुट करके देख लें, इसका आंसर हमेशा लेस देन जीरो आएगा। तो अगर किसी फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेस देन जीरो आ जाए तो हम कहते हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग हो जाए। अगली चीज़, कॉन्स्टेंट कब होगा, अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाए, अगर लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो फिर डिक्रीजिंग प्लस कॉन्स्टेंट, या दूसरे अल्फाज में नॉन इंक्रीजिंग। अब हमने क्या दिखाना होगा, नॉन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग,
आप कोई भी दिखा दें, अगर वो लेस देन इक्वल टू जीरो है तब भी चलेगा, अगर सिर्फ लेस देन जीरो है तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपने फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेना है, अगर वो लेस देन जीरो आ गया तो फंक्शन हो गया डिक्रीजिंग, अगर इतना काम पूरा कर गया तो आगे देखें। ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी अगर ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, और ये सीरीज़ डिवर्ज करेगी अगर ये इंटीग्रल डिवर्ज करता है। अब ये आपके पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, आपने कैलकुलस में डेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर नंबर 5 में अपनी कैलकुलस में पढ़ के आए हैं। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्ज करता है, जब इसका आंसर एक फाइनाइट नंबर आ जाए, और डिवर्ज कब करता है, जब इसका आंसर एक इन्फिनिट हो, ठीक है या फाइनाइट ना हो, यूनिक ना हो, तो ऐसी सूरत में आप कहते हैं कि ये सीरीज़ डिवर्ज कर देगी। अब मिसाल के तौर पर आपने इसको करना है तो आप इसका इंटीग्रल निकालेंगे नेक्स्ट 1 से इन्फिनिटी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो अब इसकी इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या बनेगी, ये आ जाएगी टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स आ गई, लिमिट आपके पास आ गई 1 से इन्फिनिटी, ये अपर लिमिट आ जाएगी टेन इनवर्स इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट आ जाएगी टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाय 2, और टेन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाय 4, तो इसको आप सॉल्व कर लें, आंसर 4 आ गया एलसीएम, ये आ गया आपके पास 2 पाई माइनस पाई, डैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 एक डेफिनेट रियल नंबर है, तो लहजा काशी टेस्ट ये कहता है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है, ठीक है। आप इसके ऊपर दूसरा टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने सिर्फ काशी टेस्ट लगाने समझाने के लिए आपको ये एग्जांपल ली है आसान सी, ठीक है। क्या हर सीरीज़ के ऊपर काशी इंटीग्रल टेस्ट लगाया जा सकता है, नहीं, सिर्फ उन सीरीज़ के ऊपर। पहली बात कि जो तो जिनका एक तो डेरिवेटिव लेस देन जीरो आना चाहिए, यानी फंक्शन डिक्रीजिंग होना चाहिए, दूसरा ऐसा जिनकी आप इंटीग्रेशन बआसानी कर सकते हो। अब पता लगे इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल सी हो गई है, ठीक है, तो उस पर आप काशी इंटीग्रल टेस्ट लगाते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं है, उस पर नहीं लगाना। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हुआ, लेकिन इसमें आपने देखा हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया। एक्सरसाइज 8.2 में ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल होंगी। 8.2 को करने से पहले पहले ये लेक्चर आपने लाजमन देख लेना है, फिर इंशाल्लाह 8.2 आपको अच्छी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो और मेरे लिए भी वो बेहतर होगा, ठीक है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 8.2 को स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ जी।